हरता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। चला गया, सब चला गया, हमारे देखते देखते मेरा आधा धनकोश लेके चला गया दुष्ट ये। नहीं कुबेर जी, लोभासुर तो अत्यंत लोभी है और जिसका परिचय ही उसका लोभ हो उसे तो कुछ भी पीछे छोड़ना स्वीकार नहीं। और अभी तो यहाँ का अर्ध धन कोश शेष है। हमारी दृष्टि से छिपकर यहीं कहीं होगा वो दुष्ट लोभासुर। हमें पूर्ण ध्यान से देखकर उसे ढूंढना होगा। लोभासुर आएगा, शेष धन भी चुरा ले जाएगा, किंतु इस बार मैं इस प्रकार भीतर जाऊंगा कि कोई कानों कान क्या, कोई अपने नेत्रों से भी मुझे भीतर जाते नहीं देख पाएगा। यह धन अपने साथ तो अवश्य ले जाऊंगा मैं। और आप कितना भी प्रयास करें किंतु ढूंढ नहीं पाएंगे मुझे। ये मुद्राएं उस दिशा में जा रही हैं, तो वो दुष्ट लोभासुर भी वहीं कहीं होगा। चला गया। नहीं नहीं, मैं ये भयानक दृश्य नहीं देख सकता। मेरा संचय सत्य हो रहा है। जिस धनकोश का संरक्षक मुझे महादेव ने नियुक्त किया था, जिस पर माता लक्ष्मी का अधिकार है, वो धन तो रिक्त हो रहा है, वो भी मेरी उपस्थिति में। मैं उनके समक्ष किस मुख से जाऊंगा, क्या करूंगा मैं? मैं ये दृश्य नहीं देख सकता, नहीं देख सकता मैं। वो देखिए गणेश जी, कार्तिक जी, वो तो धन कक्ष में चला गया है। शेष बचा हुआ धन भी ले जाने का प्रयास कर रहा है। कुछ कीजिए। मैं नहीं देख सकता, मैं और इसे नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। कार्तिक जी धीरज धीरज बोल रहे थे। गया मेरा सारा धीरज, गया चला गया मेरा धीरज। लोभा हंसते गाते आया, कुबेर का सारा खिलाना चुराया, लोभा परम धनी हो गया। लोभासुर, तुम यहां तक पहुंच तो गए हो, किंतु अब यहां से जा नहीं पाओगे। जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा, और आप मुझे रोक नहीं सकेंगे महादेव पुत्र कार्तिकेय। मेरा कार्य तो संपन्न हुआ, तो अब मैं चला। ओह, अब इस लोभासुर को कैसे रोकें? हमारा कोई अस्त्र शस्त्र इस पर कार्य भी नहीं करने वाला।
मैं तुम्हें अपनी भुजाओं में जकड़ लूंगा, यहाँ से कदापि जाने नहीं दूंगा। हाँ 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 मेरे जन्मदाता। कुबेर जी, कुबेर जी, कुबेर जी। देखा गणेश जी, कैसे लोभासुर यहाँ का समस्त धन लेकर प्रस्थान भी कर गया और हम उसे रोकने हेतु कुछ कर भी ना सके। समस्त धन नहीं कुबेर जी, अभी ये एक मुद्रा शेष है, इसे अपने साथ नहीं ले जा सका वो। ये कैसी ध्वनि थी, जैसे कोई मुद्रा धरती से टकराई हो, किंतु जब यहाँ की समस्त मुद्रा इस कपाल में है तो ये कैसे संभव हो सकता है? आ, आ, आ? ओ, ये एक मुद्रा यहीं रह गई, किंतु ये हुआ कैसे? ये एक मुद्रा यहीं कैसे छूट गई? कुबेर जी, ये एक मुद्रा तो अभी भी यहीं है। जब समस्त धन मेरे पास है तो केवल एक मुद्रा के लिए पीछे क्यों जाऊं? किसी संकट में पड़ सकता हूं। मुझे यहां से जाना चाहिए। ये क्या कर रहे हो लोभासुर? संपूर्ण धन कोष प्राप्त करने आए थे यहां, तो फिर एक मुद्रा का भी पीछे छूट जाना तो अनुचित है ना? किंतु मुझे बड़ी सावधानी से जाना होगा वहां। गणेश जी, कितना भी लोभी क्यों ना हो वो, किंतु मात्र एक मुद्रा के लिए स्वयं को कदापि संकट में नहीं डालेगा वो। अब वो यहां नहीं लौटने वाला। हाँ अनुज, मेरा भी विचार यही है कि वो दुष्ट हमारे हाथों से बचकर अब निकल ही गया है, तो निकल ही गया है। यदि आप दोनों का यही विश्वास है तो फिर हम यहाँ किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? चलिए उसे चलकर ढूंढते हैं, क्योंकि प्रत्येक चोर कोई ना कोई भूल तो अवश्य करता है, तो इसने भी कोई संकेत तो अवश्य छोड़ा होगा, उसी संकेत की सहायता से इसे ढूंढते हैं। यही उचित रहेगा गणेश, वैसे भी अभी यहां से अधिक दूर कहां जा पाया होगा वो दुष्ट। और सब तो अपने साथ ले गया वो, किंतु ये मुद्रा सांत्वना के रूप में ही सही, अपने साथ ले चलूं मैं। कुबेर जी विलंब मत कीजिए, उस मुद्रा को वहीं रहने दीजिए और शीघ्र चलिए हमारे साथ, हम तीनों एक साथ ढूंढेंगे उसे, तभी तो ज्ञात कर सकेंगे कि वो कहां गया है। आइए कुबेर जी, चलिए। गणेश जी का आदेश तो स्वीकार करना ही होगा मुझे, चलिए। हाँ हाँ आप लोग वहां ढूंढिए मुझे, पर मैं तो यहाँ हूँ। बची हुई मुद्रा को उठाने के लिए अब उसे भी प्राप्त करूंगा मैं। कुबेर का सारा खजाना चुराएगा। गणेश जी आप यहाँ, किंतु आप तो वहाँ थे। हाँ, 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 हाँ। कोई बात नहीं, मैं प्रस्थान करता हूँ। हाँ, हाँ। रुको लोभासुर, वास्तव में ये हमारी ही योजना थी, ताकि हम तुम्हें पकड़ सकें, और जब हमने तुम्हें इतनी कठिनाई से पकड़ ही लिया है
तो इतनी सरलता से तुम्हें कैसे जाने दे सकते हैं भला? क्यों, कुछ समझ आया? कुबेर जी, ये तो उचित नहीं है। आपने मेरे साथ कपट किया है, घोर कपट। गणेश जी, नहीं लोभासुर, ये हमारा कपट नहीं, अपितु तुम्हारे लोभ की पराकाष्ठा का परिणाम है। हाँ लोभासुर, इतना सब पाल लेने के बाद भी तुम्हारा लोभ शांत नहीं हुआ। मात्र एक मुद्रा के लिए तुम यहाँ लौट आए और गणेश जी की युक्ति में उलझ गए। लोभासुर, अत्यधिक लोभ ही इसी प्रकार सदैव लोभी को संकट में डालता है। जिसको भाग्य से सब कुछ प्राप्त होता है, वो उससे भी अधिक प्राप्त करने की लालसा में अपना सर्वस्व दांव पर लगा बैठता है। और तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। अपने लोभ के कारण ही तुम आज अपना सब कुछ यहीं गवा बैठोगे, यहीं खोदोगे। खोदूंगा और मैं? लोभी प्राण से जा सकता है किंतु धन से नहीं। और ना 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 कार्तिक जी, मैं कोई साधारण लोभी नहीं, मैं तो स्वयं लोभ का प्रतीक लोभासुर हूँ। महादेव पुत्र कार्तिक जी, यदि आप मुझसे कुछ प्राप्त कर सकते हैं, वही जो अभी ये मेरे पास आए, क्योंकि अन्य सभी रत्न तो मेरे गुप्त और सुरक्षित स्थान पर हैं। और गांधेनु गांव, कल्प वृक्ष और उच्च श्रवा अश्व, ये सब भी तो उन्हीं के साथ सुरक्षित है गुप्त स्थान पर। इन तीनों ने तो अपने अस्त्रों का आह्वान कर लिया, कहीं इनसे मुझे आहत न कर दें। अब तो मैं पूर्व की भांति भाग भी नहीं सकता, किंतु मैं कैसे भूल गया कि ये मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। क्या कर रहे हैं आप सभी, मुझसे युद्ध करने का कोई लाभ नहीं होगा। अपितु गणेश जी, ये आप सबकी बड़ी भूल होगी। गणेश जी, मुझे महादेव का वरदान प्राप्त है, अजय रहने का वरदान प्राप्त है, क्योंकि आप सभी कुछ भी कर लीजिए, मुझे पराजित नहीं कर सकते। श्री महादेव के वरदान के प्रताप को आप दोनों महादेव पुत्र भी नहीं मिटा सकते। उचित है, किंतु तुम्हें यहाँ तब तक बंदी बनाकर तो अवश्य रख सकते हैं ना हम, जब तक हम तुमसे माता कामधेनु, दिव्य कल्प वृक्ष और उच्च श्रवा को मुक्त नहीं करा लेते। तो रखिए, जहाँ रखना है जिधर रखना है, जितने समय तक रखना है रखिए, मुझे कोई चिंता नहीं है। किंतु एक बात बताइए, यदि आप मुझे बंदी बनाकर रखेंगे तो मैं उन्हें मुक्त क्यों करूँगा, और मेरे बिना तो उस गुप्त स्थान तक तो पहुँच भी नहीं पाएंगे जहां मैंने उन्हें छिपा के रखा है। गणेश जी, जो रत्न आदि आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, वो तो इस तरह नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यदि वास्तव में आप उन्हें मुझसे मुक्त कराना चाहते हैं तो एक क्रीड़ा कर लेते हैं। अगर आप विजयी हुए गणेश जी, तो मैं सब कुछ आपको लौटा दूंगा, किंतु परंतु आप अगर पराजित हो गए तो ये सब अनमोल रत्न
सब मेरे होंगे। आपने अपनी चतुराई से बंदी बनाया ना मुझे, उसी के लिए विख्यात है ना। तो चलिए मैं आपको एक चुनौती देता हूँ, जिस पर आप अपनी चतुराई से विजय प्राप्त कर सकते हैं, पर उसके लिए गणेश जी मुझे आपको यहाँ से संपूर्ण धन के साथ जाने देना होगा। नहीं नहीं, ये उचित नहीं होगा। एक क्रीड़ा के आधार पर सब इसका हो जाए, ये कैसे स्वीकार कर सकता हूँ मैं? किंतु यदि आप अगर मेरी तीन पहेलियों को सुलझाने में सफल हुए तो आप स्वतः मुझ तक पहुंच जाएंगे और मैं समर्पण कर आपको सभी रत्न लौटा दूंगा। यही एक उपाय है जो देवताओं ने खोया है उसे पुनः प्राप्त करने का। तो क्या समझू मैं, आपको मेरा ये सरल प्रस्ताव स्वीकार है? तीन पहेलियां सुलझाओ और लोभा को पाओ, अपना सब कुछ लौटा के ले जाओ। गणेश जी, कदाचित जो मैंने आपके विषय में सुना था वो उचित नहीं था। संकोच कर रहे हैं आप। स्वयं आपको भी ये विश्वास नहीं कि आप अपनी बुद्धि और चतुराई से मेरी पहेलियों को सुलझा पाएंगे। तुम वचन देते हो ना कि तुम्हारी पहेलियों को सुलझा कर हम तुम तक पहुंच सकेंगे, जो कुछ भी तुमने चुराया है उसे पुनः प्राप्त कर सकेंगे। तुम स्वर्ग के सभी रत्नों को, इस धन को, माता कामधेनु, दिव्य कल्प वृक्ष और उच्चैःश्रवा को हमें लौटा दोगे? प्राण जाए पर वचन न जाए। ये लोभासुर का वचन है, परंतु गणेश जी आप एक बार पुनः विचार कर लें। तुम्हारी प्रथम पहेली क्या है लोभासुर? हाँ, मेरे जन्मदाता महादेव पुत्र सर्वथा उचित कह रहे हैं। क्योंकि लोभासुर एक बार यहाँ से गया तो उसे ढूंढ पाना कठिन ही नहीं, असंभव है, असंभव है, असंभव है। क्योंकि मैंने अपने लिए, अपनी संपत्ति के लिए एक गुप्त स्थान नियत किया है। जो लोभी होता है उसकी यही विशेषता होती है कुबेर जी, वो अपने धन को बहुत छिपा कर रखता है। इसीलिए इस समय इसकी चुनौती स्वीकार करने के अतिरिक्त हमारे समक्ष और कोई मार्ग नहीं है। अब विलंब मत करो लोभासुर, शीघ्र पूछो अपनी प्रथम पहेली। ताल में बैठा एक सरकटा, ताल में बैठा एक सरकटा, उसी के पास मिलेगा मेरा पता। सरकटा बताएगा पता? ये कैसी पहेली है? अपनी प्रथम पहेली तो मैं पूछ चुका हूँ गणेश जी, तो मुझे आज्ञा दीजिए यहाँ से प्रस्थान करने की। लोभ
दो मुह रूपी तृष्णा की एक ऐसी थैली है जिसे एक ओर से कितनी भी भरी जाए किंतु वो अंत तक रिक्त ही रहती है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।